अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, वो है नमनेस ऑफ हैंड्स, हाथों की उंगली या हाथों का या पाँव का सो जाना या सुन हो जाना। इसके बारे में हमने पहले भी एक दो प्रोग्राम्स किए हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। उसके बाद काफ़ी कॉल्स आई, लोगों ने डिस्कस किया कि जी इसका इलाज बताएं। मैंने शायद प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ हम इलाज नहीं बताते, ना ही किसी को इलाज बताना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, वजह उसकी ये है कि हाथों का सो जाना या नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन जो हैं, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। और आप में क्या वजह हो सकती है, हो सकता है ये वजह मुख्तलिफ हो जो कि दूसरे बंदे में हो। तो इसलिए इलाज बताना इसलिए मुश्किल है कि हमने तो इलाज वजह का करना है ना, ट्रीट द कॉज। हमने तो दर्द का इलाज तो नहीं करना, दर्द के लिए तो आप कहीं से भी गोली ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। हमने तो वजह ढूंढनी है और वजह का इलाज करना है। वो वजह आप में डिफरेंट हो सकती है, किसी और मरीज़ में मुख्तलिफ हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये जो हम प्रोग्राम करते हैं पब्लिक अवेयरनेस का, इसका मेन मकसद ये होता है कि अवाम में ये शऊर आ जाए कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम जो है ये ख़राब हो सकता है, इसके क्या अफेक्ट हो सकते हैं, या इसका इलाज अवेलेबल है या नहीं है। ये शऊर पैदा करने के लिए हम हो या कोई भी मीडिया हो जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, वो इसलिए करते हैं। ये जो हाथों का सो जाना है ना, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसकी वजह गर्दन भी हो सकती है, क्योंकि गर्दन के मोरों से, हमेशा मोरों से साइडों से नसें निकलती हैं। जो गर्दन के मोरों से निकलती हैं वो बाजू में पूरे जाती हैं, जो दरमियान वाले मोरों से निकलती हैं वो पेट पर आती हैं नसें, जो नीचे वाले मोरों से निकलती हैं वो नसें टांगों में जाती हैं। तो किसी नस के दब जाने की वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से, वो कोई भी नस दब जाए तो फिर वो जहाँ जहाँ जाएगी आपको दर्द लेके जाएगी। एक ये वजह हो सकती है। बाज़ दफ़ा शोल्डर का प्रॉब्लम होता है आपको, कंधे का प्रॉब्लम होता है, तो कंधे की मूवमेंट्स की वजह से जो बगल है इसमें से नर्व निकलती हैं ना, निकल के तो फिर बाजू में आती हैं। तो वो अगर कोई नर्व दब जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो वो भी दर्द लेके जा सकती है। जो नस यहाँ पे दब जाती है, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, उसकी वजह से भी हाथ सो सकते हैं आपका, नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे किसी को शुगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसकी वजह से हो सकती हैं। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं इसकी। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है आपका। वो आपको एग्ज़ामिन करेगा, चेक करेगा क्या वजह है, और फिर उसके मुताबिक आपका इलाज बताएगा। तो इसको निगलेक्ट मत करें। बहुत सारी चीज़ें जिनका इलाज मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें, और बाज़ दफ़ा बग़ैर ऑपरेशन के इसका इलाज है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने डिस्कस करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।